मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लिए हिंगनघाट शहर के तहसील कार्यालय में नागरिकों ने अपने दस्तावेज के जमावड़े के लिए बड़ी भीड़ की है। लाभार्थी अपने सरकारी दस्तावेज को जमा करते देखी गए। इसके लिए लगने वाले इनकम सर्टिफिकेट के लिए पटवारी कार्यालय में बड़ी भीड़ देखी गई। डोमासिल और अनेक दस्तावेज अपडेट करने के लिए भी भीड़ लगी रही। बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास योजना पंचायत समिति के अधिकारी अमोल चिरुटकर इन्होंने सविस्तर जानकारी देते हुए इस योजना में लाभार्थियों को लगने वाले दस्तावेज और किस प्रकार के लाभार्थी इसका लाभ ले सकते हैं इसके बारे में सविस्तर जानकारी दी है। योजना में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अर्ज ऑनलाइन करने की अवधि दी गई है। इस योजना के रहते तहसील कार्यालय परिसर में महिलाओं के साथ नागरिकों ने बड़ा जमावड़ा किया है। कभी नहीं दिखने वाली नागरिकों की भीड़ परिसर में देखी जा रही है। इस योजना के रहते सभी बहनों को योजना का लाभ लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लाइन में लगाने का काम किया है। सदर जो शासन निर्णय है शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना 28 जून 2024 शासन निर्णय निर्गमित केला आणि सदर योजनेचे अर्ज प्राप्त करण्याची जी सुरुवात आहे ती 1 जुलै 2024 पासून केलेली आहे आणि सदर योजनेची जे आहे सुरुवातीचा जो विषय आहे टप्प्यामध्ये अंतिम यादी प्रकाशन जे आहे 1 ऑगस्टला आहे आणि लाभार्थ्याचे निधी हस्तांतरण जे आहे ते 14 ऑगस्ट 2024 पर्यंत आहे। सदर योजनेचा जो उद्देश आहे तो महिला आणि मुलींना पुरेशा सुखसुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीची चालना देण्याचे आहे। आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करणे, महिला स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर करणे, महिलांचं सशक्तीकरण करणे आणि महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांचं आरोग्य आणि पोषण स्थितीमध्ये सुधारणा करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे। तर यामध्ये कसं आहे की सगळ्यात पहिले तर या योजनेमध्ये 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटी, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला यासाठी ही सदर योजना आहे। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।